क्या बताया गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। देखिए हमने कहा सपोज एक Q1 Q2 दो चार्ज हैं और ये r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, दैट मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मे बी रिपल्सन। तो हमने कहा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट k आएगा, और यहां पर k की जो वैल्यू होती है, यह k जो है कॉन्स्टेंट है, और k की वैल्यू है 9 × 10⁻¹। ठीक, अब यूनिट कैसे निकलेगी, अब जरा देखिए ध्यान से। जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो इसको उठा के इधर ट्रांसफर करोगे, तो अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से k का मान निकालें तो यहां से एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2 निकलेगा। यूनिट पहचान जाइए, एफ का क्या यूनिट है, न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कूलम साहब ने एक बात बताई भैया, चलिए k की वैल्यू फिक्स है, लेकिन k एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, k डिपेंड करता है मीडियम पर, मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है उस पर डिपेंड करता है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी का नाम बताया उन्होंने परमिटिविटी। क्या है परमिटिविटी, निर्वात की वैधशीलता, हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैधशीलता। इसको उन्होंने कहा कि ये एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी क्या लफड़े का नाम है, कॉलेज पढ़ाया गया अभी, ये परमिटिविटी क्या लफड़े का नाम है, देखिए ध्यान से। ये दो पार्टिकल, देखिए जैसे आप जब न्यूटन की बात करते थे तो न्यूटन ने कहा था दो मास पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है, और फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन उन्होंने कहा था भैया मीडियम चाहे जो फोर्स हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मीडियम अगर दो चार्ज रखे हैं बीच में कुछ मीडियम नहीं, वैक्यूम है, फिर भी फोर्स लगा रहे हैं, दो चार्ज रखे हैं बीच में वैक्यूम है फिर भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स लगाने का तरीका इनका क्या होता है, डंडा लेके दौड़ाते होंगे तो लेके डंडा मारेंगे, ऐसा करेंगे। एक एग्जांपल समझिएगा, अगर ये चार्ज रखा हुआ है तो ये फोर्स के लिए कुछ न कुछ भेजता होगा ना, इसमें मैं मान लू कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भेजता है, ठीक है, और मान लिया इसने यहां से 50 इलेक्ट्रिक करंट्स ऐसे भेजी, था स्ट्रिंग भेजी 50 ऐसे, अरे 50 का एक रस्सी का वो बनाया और ऐसे फेंक दिया और ऐसे खींच रहा है उसको या धक्का मार रहा है, तो मीडियम क्या करेगा, मीडियम उन 50 में से 30 एब्जॉर्ब कर लिया मीडियम ने और 20 को जाने दिया, तो मीडियम की परमिटिविटी क्या है, 30 है 20 है, मीडियम जितना एब्जॉर्ब कर लेता है वो उस मीडियम की परमिटिविटी है, नहीं समझे, जैसे वैक्यूम में आप गए और यहां पर चार्ज पार्टी को रखे हुए, देखा आपने 50 स्टिक जा रही है, 50 मीडियम ने 40 एब्जॉर्ब कर लिया, 10 को जाने दिया, तो जो परमिटिविटी मीडियम की है उस वैक्यूम की वो कितनी है, 40। ठीक है, ये परमिटिविटी है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 8 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹². ठीक है, और यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए यूनिट पहले एक मिनट इसको बाद में लिखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां पर k की वैल्यू जो लिखी गई, हियर k इज इक्वल टू, हियर k इज इक्वल टू 1/4πε₀ लिखा जाता है, 1/4πε₀ लिखा जाता है, और वैल्यू क्या होती, 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम कहें कि 1/4πε₀ कैसे आया, वो तो साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन इसका लफड़ा क्या था, लेकिन लफड़ा ये है कि जब चार्ज रखा हुआ है तो इसने फोर्स चारों तरफ, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी वो चारों तरफ निकली होंगी ना, कि चार्ज यहां हो कहीं भी रखे हो दौड़ा के मारेंगे, ठीक है, तो यानी कि फोर्स के, मान लीजिए कि फोर्स की कितनी लाइन्स है, 4π लाइन्स है। एक एग्जाम्पल समझिएगा कि भाई इसमें से जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो हर डायरेक्शन में फैल रहा है, तो अगर मैं मान लूं कि चार्ज ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैल रहा है चारों दिशा में, ठीक है, तो अगर हम मान लें कि पूरा एंगल कितना होता है, 4π, पूरा सॉलिड एंगल कितना होता है, 4π, तो 4π में से ये तो एक ही लाइन पर रखा है ना केवल,
इसी को तो फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर पाई लाइंस में से केवल एक लाइन है जो इसको खींच रही है, तो फोर पाई का एक भाग कर दो वन अपॉन फोर पाई, तो यानी कि पूरा फोर्स कितना हो गया आपका, पूरे फोर्स का वन अपॉन फोर पाई। मीडियम ने क्या किया, उसको परमिट किया नहीं किया, जितना परमिटिविटी हुई उसने वन पाई अनलर्ट कर दिया उसको, मतलब इसकी जगह पहले बात ये वन अपॉन फोर पाई आ गया, फोर्स इतने टाइम्स हो गया, और मीडियम की अपनी परमिटिविटी थी तो मीडियम ने उसको और कम कर दिया, मीडियम ने इतना बना दिया, तो बन गया वन अपॉन फोर पाई सलनट। ठीक, आपको ये नहीं लिखना है कि वो इतना होता है, वो ये फोर पाई होता है, ये उसको तो आपको सलना है। ठीक, तो यहाँ के की वैल्यू ये होती है, और जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ना वैक्यूम कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10^-12। अब जरा समझिएगा, आपने अगर इसकी वैल्यू निकाल ली है तो इसको इधर ले आओ और के को इधर ले जाओ, अपान चला गया के। अब के की जो यूनिट आपने लिखी है तो परमिटिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। समझे बात, नोट करिए इसको। अब कह रहे हैं, अगर मान लीजिए, एक नोट लिखिएगा, इफ देयर इज अ मीडियम, इफ देयर इज अ मीडियम, देयर इज एनी मीडियम, एनी मीडियम बिटवीन द चार्जेस, अगर आप चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख देते तब क्या होगा, भाई मान लीजिए एक स्विच है, उसमें चार्ज है, आपकी बॉडी में भी चार्ज है, आपने क्या किया, एक पतला सा लकड़ी का वो लिया, ये मीडियम हो गया और उस स्विच में घुसेड़ दिया, ठीक है, आपके अंदर भी चार्ज है, अब वहां से 50 लाइनें आई और उस लकड़ी वाले ने 50 एब्जॉर्ब कर ली, तो इसकी परमिटिविटी कितनी है, और आपको करंट नहीं लगी, आपके एक मित्र आए बोले देखिए सब ब्रेव आई हम, देखा मैं ऐसे पकड़े हुए वाला करंट नहीं लग रहा, तुम पकड़ो, वो कहेगा चलाओ पकड़ो, और आपने क्या किया, दूसरी लकड़ी ले आए, उसमें हल्का सा पतला सा तार लगा था लोहे का, दिख नहीं रहा था, बहुत पतला सा लकड़ी चेंज कर दिया आपने, उसको भी लगा दिया आपने, अब वो लकड़ी हो गई ना मीडियम, लकड़ी जगह लोहा और लोहा हो गया, अब लोहे ने क्या किया, 50 लाइन में से 10 एब्जॉर्ब की, 40 पास कर दी उठा करके, उनको तो निपट गए, ठीक है, यानी मीडियम के होने पर परमिटिविटी में चेंज आएगा, तो अगर यहां पर मीडियम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा फोर्स की वैल्यू आएगी 1/4 πε ओनली एप्सिलॉन, जीरो पर लिखिए, कहीं पर लिखा होता है एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन फॉर मीडियम, जनरली एप्सिलॉन लिखा जाता है, एप्सिलॉन भी कुछ लोग पढ़ते हैं कंफ्यूज होते हैं, तो 1/4 πε एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 / r, जहां पर एप्सिलॉन क्या है, तो यहां पर आएगा हियर जो एप्सिलॉन है वो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है। अब इसको निकाले कैसे, देखिए दो चीजें हैं, जैसे आपने वैक्यूम का फोर्स निकाला, ठीक है, और फोर्स की परमिटिविटी को जो आपने रख के वैल्यू निकाल दी, और फिर आपने मीडियम में फोर्स निकाले, फोर्स नापने का तरीका आपके पास है, ये दो चार्जेज आपने रखे, दो चार्जेज रखे और आपने एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ऐसे कुछ चार्ज रखे, बीच में स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया और चार्जेस रिपेल कर रहे थे, स्प्रिंग बैलेंस खींच रहा था, तो आप आइडिया लगा लेंगे फोर्स कितना होगा, एक बार वैक्यूम लगाया और एक बार बिना वैक्यूम के मीडियम में लगा दिया, तो कंपेयर कर सकते हैं ना, ये फोर्स बढ़ा या घटा, तो बढ़ने घटने से आप ये आइडिया लगाएंगे कि चेंज क्या हुआ होगा, ठीक है, तो हम वैक्यूम की परमिटिविटी से इसको कंपेयर कर देते हैं, तो यहां पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कह देते हैं एप्सिलॉन आर, इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये कंपेयर करने के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है, या इसको के भी लिखा जाता है, ये के वाला कॉन्स्टेंट नहीं है, वही बात, के का कोई पक्का नाम नहीं है, जहां जरूरत के की जो नाम हुआ वहां हमने रख दिया, ठीक है, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसका डिटेल आपको आगे पढ़ाया जाएगा, तो यानी कि जहां पर एप्सिलॉन है वहां की बात क्या करेंगे, वहां लिखेंगे आप के एप्सिलॉन नॉट, जहां पर मीडियम होगा वहां पर क्या लिखेंगे, के एप्सिलॉन नॉट, तो यहां रख दो उठा करके, सो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 πε0 k × Q1 Q2 / r, तो फोर्स का ये फॉर्मूला भी बनेगा,
ठीक है। अब जैसे मान लिया कोई टॉपिक प्रूफ कर रहे हैं, करेंगे क्या आप, मैं प्रूफ की बात बता रहा हूँ, जब आप प्रूफ कर रहे होंगे तो आप मान लेंगे कि जो चार्जेस रखे गए हैं ना उसके चारों तरफ कोई मीडियम है और मीडियम का जो डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट है वो के नहीं जा रही क्या, नहीं आती इसमें। देखो सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें ये तो है नहीं कि थोड़ी देर बाद एक आइटम डांस होगा, नहीं इसमें तो मजबूरी है कि सूखा सूखा सब कुछ है, वही पढ़ना, वही आइटम डांस, वही मास्टर जो आइटम डांस कर ले ऐसे ऐसे जो हाँ सुनते। देखिए सीरियस आपको होना पड़ेगा, ठीक है, हम तो खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, अगर हम पे नींद आएगी तो हम तो गिर जाएंगे, हमको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो आप मानेंगे कि मीडियम है और मीडियम की परमिटिविटी, सॉरी मीडियम का डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट के है, तो आप ये वाला प्रूफ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के, और जब प्रूफ हो जाएगा तो आप लिखेंगे इन वैक्यूम के की वैल्यू वन होती है, जीरो डी वन होती है, तो यहाँ पर ये प्रूफ आ जाएगा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में जब तक मीडियम का डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट ना दिया हो या रिलेटिव परमिटिविटी ना दी हो तब तक आप के का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने मान लिया दिया है कि देर इज अ वाटर इन द मीडियम इज अ वाटर हुज डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट इज एट T1, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे के की वैल्यू T1 लिखेंगे, ठीक है, नोट करिए। देखिए ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जरा वेक्टर फॉर्म में चलते हैं क्लास 11th। देखिए वहां पर एक चीज बताई गई थी यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश कहते हैं, क्या बताया गया, किसी वेक्टर को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। मतलब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या दिख रहा है आपको, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बट ए कैप गिव्स यू वेक्टर, मतलब किसी मैग्नीट्यूड को अगर उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा। फिर समझिएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या देता है, यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर गिव्स यू वेक्टर, पढ़ा 11th क्लास में। अच्छा जैसे मान लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप जे कैप और के कैप होता है, मालूम है। मान लेते हैं कोई बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो व्हाट इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड क्या चीज है, किस लफड़े का नाम है, स्पीड, 4 मीटर पर सेकेंड उसकी उसका मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और हम चाहते हैं उसे वेक्टर में कन्वर्ट करें, तो ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन। तो हमने क्या कहा, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 का किससे मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आई बात, मतलब जो मैग्नीट्यूड है जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है, ठीक। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। अब जरा कूलम्ब्स लॉ में बात समझते हैं, देखिए हमने कहा कि सपोज दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R है, बीच की दूरी R मतलब दूरी का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं और अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, और दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है। हमने समझ लिया ये लाइक चार्जेस है, दोनों कैसे चार्जेस हैं, वो दोनों प्लस चार्जेस मान लेते हैं, तो यानी Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा, यानी Q1 पर Q2 के कारण एक फोर्स काम करेगा, लॉजिक समझ आ रही है, मतलब फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 किसकी वजह से, ड्यू टू Q2, इसका नाम दे दें F21, सॉरी F12 दे दें, कुछ लोग 21 बोलेंगे कुछ 12 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 पर फोर्स 2 की वजह से इधर लगेगा, ये रिपल्सन है ना, तो इधर काम करेगा F12 वेक्टर ही चला रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2, ये क्या निकला, ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब आपको इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तरीका क्या बताया गया,
कि जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी जो डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ है, तो आप 2 से 1 की तरफ के यूनिट वेक्टर को R21 कैप लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा ना, एक्स वाई जेड एक्सिस तो है नहीं, हमने उसका नाम क्या दिया R21 कैप। यानी कि अगर मैं इसको R21 कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन गया, ठीक है। अच्छा, 1/4πε0 Q1 Q2 / r² और R21 कैप को क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर / mod of R21 लिख सकते हैं। तो क्लियर है ना, ये यूनिट वेक्टर क्लियर है 11th क्लास का, ठीक है। ये R21 वेक्टर का मॉड का मतलब क्या होता है, 2 से 1 के बीच की दूरी का मॉड वो क्या है, तो इसको R लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 / r³ हो जाएगा ये R21 वेक्टर। यहां तक बात समझ में आ गई, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अभी Q1 भी तो फोर्स उस पर लगा रहा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसका नाम क्या लिखते हैं, F21, मैंने वेक्टर नहीं लगाया, वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 / r² इन। जरा देखिए इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें, ये फोर्स ऐसे होगा ना F21, ये तो फोर्स आएगा, इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें, हमने कहा जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए इसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, 1 से 2 की तरफ, तो आप इसको मान सकते हैं R12 यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इसको R12 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/4πε0 Q1 Q2 / r² R12 वेक्टर / mod of R12 वेक्टर ले सकते हैं इसको। यहां तक पहुंचिए आप, अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं, ये तो मॉड है, ये तो आर है ना, ये इसको क्या ले सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 / r³ इंटू R12 वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, जा इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, 1 में क्या लिखा था, 1 में ये पूरी चीज सेम थी, उसमें यहां लिखा था R21 वेक्टर और इसमें R12 वेक्टर है। तो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा अगर कहीं ए बी लिखा हो और कहीं बी ए लिखा हो तो दोनों सेम होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। तो आप लिखेंगे एस R12 वेक्टर इज इक्वल टू -R21 वेक्टर, सो F12 इज इक्वल टू -F21। मतलब ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगी, दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट, यानी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ठीक है। देखिए फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं तो सभी चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स कितना होगा, इसको कहा जाता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जब बहुत सारे फोर्स एक दूसरे को अफेक्ट करें कहीं पर जाकर, ठीक है, एक रिजल्टिंग एफेक्ट क्रिएट करें, तो वो उसको कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। 11th क्लास में एक था प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, दो वेव एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए जब कहीं चलती थी तो उनके इफेक्ट से जो रिजल्टिंग वेव बनती थी उसका जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड था वो दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल था, डिस्प्लेसमेंट, याद है, याद है। अब कोई कोई मतलब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लिया एक चार्ज ये Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, सब एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं। Q1 पर Q4 भी लगा रहा है, Q2 Q3 भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, Q4 पर सब फोर्स लगा रहे हैं, सब जितने चार्जेस सब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है, क्योंकि हमने कहीं प्लस नहीं लगाया है या निगेटिव नहीं लगाया है तो पॉजिटिव अपने आप हो गए, ठीक। हमने कहा सपोज करिएगा कि Q4 को ले लेते हैं, कि Q1 ने Q4 पे फोर्स क्या लगाया, F14 कह सकते हैं इसको,
एफ वन फोर, कुछ तो मानना पड़ेगा ना आपको। और ये डिस्टेंस क्या माने, आर वन फोर मान ली, कोई दिक्कत? क्या आर वन मान ली, क्या दिक्कत? आर वन मान लीजिए, कोई दिक्कत। क्यू टू ने क्यू फोर पे फोर्स लगाया, क्या लगाया? एफ टू फोर, कुछ भी लिख सकते हैं, टू फोर लिखो या फोर टू लिखो, कोई दिक्कत नहीं। टू फोर ने फोर्स, मतलब टू फोर फोर्स हो गया। क्यू थ्री ने क्यू फोर पे फोर्स लगाया, कितना लगाया? एफ थ्री फोर, ठीक है। ये डिस्टेंस आर टू है, ये डिस्टेंस आर थ्री है, निकाल लो। कैसे निकालेंगे? फोर्स यहां एक चार्ज क्यू फोर है, तो एफ वन फोर कैसे निकलेगा? वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू फोर अपान आर वन स्क्वायर। अब देखिए, जब न्यूमेरिकल कोई आएगा तब तो डिस्टेंस दी हुई होगी ना, डायरेक्शन दी हुई होगी, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहां तो केवल टॉपिक को प्रूफ करना है। अब देखिए, इसकी डायरेक्शन अगर हम लिखना चाहें तो ये किधर की तरफ है? आप Q1 से Q2 के बीच की दूरी आपने R1 मानी है, तो आप इसको मान लीजिए R1 कैप, तो R1 कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये F14 निकल आया। अब F24 निकालिए, F24 क्या आएगा? वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q, ये Q1 Q4 होगा, क्या देख रहे हो? Q2 Q4 अपान R2 स्क्वायर, इसको R2 मान लीजिए, ये R2 कैप है, हमने R2 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वेक्टर बन गया, ठीक है। जो 3 ने 4 पे फोर्स लगाया F34, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपान R3 स्क्वायर, R3 कैप से मल्टीप्लाई कर दो, ये R3 कैप हो गया। अब आपको रिजल्टिंग फोर्स निकालना है, सबको उठा के वेक्टोरियली प्लस कर, रिजल्ट कुछ यहां नहीं निकलेगा जब तक हमको वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन वेक्टर मेथड से इसको F14 प्लस F24 प्लस F34 प्लस और भी चार्जेस हो सकते हैं, कि ये रिजल्टिंग फोर्स निकल आएगा। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस ने आकर के इस पर एक रिजल्टिंग फोर्स लगा दिया, ठीक है, नोट करिए इसको।